नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सैम स्कूल नीम का थाना में 2500 पौधों का हुआ वितरण। नीम का थाना क्षेत्र की सामाजिक जनहितैषी संस्था सिरोही के 58,000 पौधे वितरण कार्यक्रम और महामुहिम में सेम स्कूल ने सहयोग करते हुए पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति का संरक्षण महत्व के लिए 2500 पौधों का करीब 2500 पौधों का वितरण स्कूली बच्चों को किया गया है। सेम स्कूल नीम का थाना के प्रधानाचार्य वरुण प्रताप ने बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पालन पोषण की भी शपथ दिलाई गई और विद्यालय के सभी अध्यापकों को बच्चों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी। जिन बच्चों के पौधे सुरक्षित मिलेंगे उन्हें साल भर बाद पुरस्कार देने की भी घोषणा सैम स्कूल के संस्थापक द्वारा की गई। इस अवसर पर जनहितैषी संस्था के संस्थापक अनिल कसवा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूर्व कैप्टन बलदेव यादव, जनहितैषी संस्था सिरोही अध्यक्ष तेजपाल अग्रवाल, विद्यालय स्टाफ विजय कुमावत, अनीता भास्कर, विद्यालय स्टाफ, सभी छात्र छात्राएं, बच्चे, अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि क्षेत्र में सामाजिक रूप से कार्य कर रही संस्था जनहितैषी संस्था ने क्षेत्र में करीब 58,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसमें किसी भी स्कूल या किसी भी संस्था को और इस प्रकार से 58,000 पौधे जितना लेना चाहे उन्हें निःशुल्क भेंट किए जाएंगे। पौधों को लगाने की जिम्मेदारी वो लेंगे और उसके बाद में पौधों का वितरण निःशुल्क उन्हें किया जाएगा और यह महामुहिम पर्यावरण संरक्षण को देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जनहितैषी संस्था अनिल कसवा और इन सभी के द्वारा। अपने आसपास सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखूंगा और सदैव दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अपनी सीट पर जाके बैठे। जब